Santos, que prazer revê-lo. Bem-vindo. Meus amigos estão logo aqui, por favor. Thank you. De nada, senhor. Bom te ver, Otto. Beautiful. पांच महीने हो गए ब्राजील में, क्या कर रहे हो आप? मुझे जानते हैं क्या? अब और ड्रामा करने की जरूरत नहीं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे सब पता है। मैं अपने क्लाइंट की तरफ से एक ऑफर लेकर आई हूँ। उन्हें 3 लोगों को मरवाना है, पर मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए। इसमें तो तुम माहिर हो ना। ये देखो, अभी भी बहुत से लोग तुम्हारी मौत की खबर को सच मान रहे हैं। अगर मेरे क्लाइंट ने तुम्हारा पता कुछ खास लोगों को बता दिया तो तुम्हारी ये नई ब्राजीलियन लाइफ का बहुत जल्द दी एंड हो जाएगा। तो बस हमारा काम करो और यूं ही मरे पड़े रहो। तो आई बात समझ में, नकली ऑटो सैंडोस? जरा एक फोन कर लूं। तुम ये क्या कर रहे हो? जाके अपने पाप से कह देना मुझसे पंगा लेना ठीक नहीं।
बिशप। हेलो मैं। अलग लग रहे हो। बूढ़ा? बूढ़े से थोड़ा ज्यादा। मुझे किसी को ढूंढना है इससे पहले कि वो मुझे ढूंढे, बस उसके बाद निकल जाऊंगा। और कौन है यहाँ? कोई नहीं। डाइविंग सीजन्स ओवर। आओ अपने घर पर चलो। तुम्हारी फ्लाइट कैसी थी? बस ठीक थी। कुछ स्टाफ अभी भी यहाँ है, बट डोंट वरी, तुम यहाँ हो किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं बदला। आराम करो। स्वादी खाप। हाय, कुछ चाहिए आपको? अच्छा है कोई तो हिंदी बोलता है। मुझे फर्स्ट एड किट चाहिए, मैं बोट पर रहती हूँ। श्योर, बस यही है मेरे पास। थैंक्स। अगर कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो एम्बुलेंस बोट आ सकती है, वो आपको फुकेट तक ले जाएगी। नहीं, ये काफी है। थैंक्स सो मच। एनी टाइम। मैं मिल चुकी हूँ उसे, अलग किस्म की लड़की है। ऐसी लड़कियाँ अक्सर मारी जाती हैं बिशप। आपसी झगड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे बचाया था, उसे भी बचा लो या फिर मैं जाती हूँ। पकड़ो उसे। शर्म नहीं आती? जाने दे उसे। तू कौन है बे? प्लीज मुझे बचाओ।
बोला ना जाने दे उसको, लास्ट चांस। मुझे छोड़ दो फ्रैंक। ऐसा सोचना भी मत। इस लड़की को किनारे ले जाओ, मैं बोट को ठिकाने लगाता हूं। ठीक है। सो रही है तुम्हारे बंगलों में। क्या हो रहा है? जीना थॉर्न, अमेरिका। ये तुम ही हो ना? हाँ। अपने फोन में मेरी फोटो रखने वाली तुम दूसरी लड़की हो। पहली क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती थी, ये नाम सुना है क्या? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। पहली लड़की तो मैसेंजर थी, तुम क्या हो? क्या मैसेज लाई हो? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। टेल मी अबाउट ट्रेन। कौन सा काम दिया है उसने तुम्हें? कहाँ है वो? आ मेरा पैर। देखो उसी ने मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं करती। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों भेजा? ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ। हाँ क्यों नहीं, यहाँ कितने आदमी हैं उसके? ना मैंने पूछा ना उसने बताया। तो फिर ये फ्रैंक कौन था? एक नाटक का हिस्सा। एक्सप्लेन। वो मेरे साथ मारपीट करता और मैं बचकर यहाँ पर आ जाती। सब कुछ प्लान था पर फ्रैंक ने ज्यादा पी ली थी और मुझे सच में मारने पीटने लगा। क्रेन चाहता था कि मैं एक विक्टिम लगूं ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। हाँ। फ्रैंक ने ओवर एक्टिंग कर दी है ना, तो लो हम मिल गए, अब क्या? फिर उस सेल से एक नंबर डायल करती और एक रिंग लगने देती। मुझसे बस इतना ही कहा गया था। उसके बाद होगा ये कि मेरी नई गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाएगी। क्या? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे और क्रेन मुझे तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा। किस लिए? कुछ ऐसा करवाने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता। ऐसा क्या काम करते हो तुम? कॉल मैं करूंगा, तुम नहीं। मैं तय करूंगा वो कब आएंगे। अब क्रेन नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं, मैं किसी की भी मौत का कारण नहीं बनना चाहती। तुम्हें वाकई लगता है कि क्रेन लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद उन्हें छोड़ देता है? मैंने सारी जिंदगी लोगों के मरने का इंतजाम किया है, पर तुम्हारे जीने का कर सकता हूं। मेरे फादर ईस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे, वो एक हीलर थे। बिशप उन्हीं के साथ सीखता था।
वो हीलिंग सीखता था, देख के लगता नहीं है। हाँ मुझे भी, पर मेरे फादर का मानना था कि जिन लोगों का दर्द बहुत गहरा हो उनकी हीलिंग एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। साल पहले स्पेशल मिलिट्री एग्जीक्यूटिव जीना थॉर्न अफगानिस्तान के मैदान जंग को छोड़कर कंबोडिया में मासूम बच्चों की परवरिश के लिए निकल पड़ी। मेरी पिछली असाइनमेंट के बाद मुझे चेंज चाहिए था। इस वॉर में कई बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है, और मुझे यहाँ इस छोटे से टाउन में आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि बिल्कुल सुकून सा मिला। लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी को एक मकसद मिल गया। मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं चाहिए। ट्रेन क्यों ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें? मैं कैम्बोडिया में ट्रैफिकिंग विक्टिम्स के लिए एक शेल्टर चलाती हूँ। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ। कुछ हफ्तों पहले हमारे स्टाफ की एक लड़की को किडनैप किया गया। उसके दो दिन बाद कुछ गुंडे उसे मेरे घर के सामने फेंक कर गए और वो एक घंटे में मर गई। क्रेन ने भेजा उस हरामी जर्मी को। उसने कहा इस शेल्टर में जो भी रहते हैं उन सबका वो यही हाल करेगा, बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। वो मेरी कमजोरी है और क्रेन इस बात को जानता है, और मेरी इसी मजबूरी का उसने फायदा उठाया। उसने जो कुछ कहा मैंने वही किया। मेरा हाथ पकड़ो। ट्रेन के आदमी यहीं पर हैं। वो हमें देख रहे हैं। कहाँ से? एक सफेद बोट में दो आदमी हैं। अब उस तरफ देखना मत। आ गए तुम। आओ जल्दी करो। बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। आओ आओ जल्दी चलो। यहाँ खड़े हो जाओ। चलो हाथ पकड़ो। मैं जरा एक ड्रिंक लेकर आता हूँ। नो, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रही हो?
सारे कपल्स एक दूसरे से बंधे होंगे। पर हम कपल नहीं हैं। बीच पर तो ऐसा नहीं लग रहा था। तो तुमने कभी शादी की है? नहीं, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। ये लो। हमें ये पीना होगा क्या? नो, अपनी उंगली इसमें डुबाओ और एक दूसरे के माथे पर तीन बिंदी बनाओ। फॉर गुड लक। इंजॉय। हाँ, गुड लक की जरूरत है। इंजॉय। ओके, मेरी बारी। चलो एक ड्रिंक लेते हैं, इसे छोड़ो। इसे लगवाओ तो। एक मिनट। बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ा रह गया यहाँ पर। ये तो मिट ही नहीं रहा। ओके ओके, अगली बार अपना सैंडल यूज करना। I love this song. ये तो थाई सॉन्ग है ना? हाँ, it's so good. डांस करोगे? नहीं, रहने दो। और क्यों नहीं? तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी। क्यों, तुम्हें लगता है मैं बुरा डांसर हूँ? तुम्हें देख कर लगता है तुम बहुत बुरे डांसर हो। सुनो, मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग? और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ तुम्हें इस मुसीबत में डालने के लिए। वो अनाथ बच्चे मेरी कमजोरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड। मैं अभी एक अनाथ था। मुझे एक गैंगस्टर को बेच दिया गया जो बच्चों की फौज बनाया करता था। क्रेन भी वहीं पर था। फिर क्या हुआ? मैं भाग गया, वो रह गया। इल्जाम क्रेन पर लगा और उसे बहुत मारा गया। क्या वो उसी बात का बदला ले रहा है? हाँ, वो बदला ले रहा है। Oh God, I'm so sorry. तुम्हारी क्या गलती है?
अब क्या करेंगे हम? मैंने सब सोच लिया है। इस आइलैंड के पीछे सप्लाई बोर्ड को कोई नहीं देखता। कल रात तुम उसमें बैठकर निकल जाओगी, तुम और तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। सारा इंतजाम हो गया है। और क्रेन का क्या होगा? उसके लिए तीन लोग नहीं मरेंगे। तुम्हारे जाने के बाद एक ही आदमी मरेगा, क्रेन। तुम्हें उस तक पहुंचने भी नहीं देगा? उसे पता भी नहीं चलेगा मैं वहां था। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं, मेरे आने तक संभाल कर रखना। मेरे डैड ने मुझे दी थी, उनकी बस एक यही याद है मेरे पास। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। जेरेमी है, क्रेन ने जरूर। मेरी तरफ देखो, याद रखना मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा, ट्रस्ट मी। फोन पे नहीं, फेस टू फेस बात करेंगे। तसली हो गई? फॉलो मी। बैठ जाओ। प्लीज हिलना मत। उठे तो चिथड़े उड़ जाएंगे आधा। अगर कोई दुश्मन खुद बारूद की ढेर पर बैठ जाए तो गार्ड और गन की जरूरत नहीं पड़ती। तूने मुझे ढूंढा कैसे क्रेन? इतने साल बाद मिला है, हेलो भी नहीं कहेगा। कितने साल के थे हम? 12। फिर भी तू सारा काम कितनी होशियारी से करता था। मैंने तुझे ढूंढा कैसे? अब इतने भी नादान मत बनो आर्थर। आजकल प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। फेशियल रिकॉग्निशन और सैटेलाइट ट्रैकिंग ने हमारा काम आसान कर दिया है। चल तुझे वो देता हूँ जो आज तक किसी को नहीं दिया, बचने का मौका। लड़की मेरे हवाले कर और निकल जा। इतने साल हो गए पर तेरी हीरोगिरी नहीं गई, इसलिए तो मैंने तुझे याद किया। ये काम तुझे ही करना पड़ेगा। यू आर द बेस्ट। खोल इसे। तुझे तीन लोगों को मारना है। ये है पहला टारगेट। इसका नाम है क्रिल, अफ्रीका में हथियारों का सबसे बड़ा डीलर, मास मर्डरर और वॉरलॉर्ड। इस वक्त ये मलेशिया के पंजारा कटाई जेल में कैद है, और उसकी कैद ने ही उसे उसके दुश्मनों से बचा कर रखा है। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये क्या है? ट्रैकिंग डिवाइस। उसे मारने के बाद ही इसे निकलना। अगर उसके पहले हजम हो गया तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जीना कहाँ है? इन तीनों को मार आर्थर, और जीना को ले जा।
शायद तू उसके लिए इतना तो कर ही सकता है ना? आखिर वो तेरी वजह से ही तो यहाँ पर फंसी हुई है। मैं कैसे मान लूं कि तू उसे मारेगा नहीं? हर एक को मारने के बाद वीडियो कॉल कर लेना, और आखिरी वाले को मारने पर मैं तुझे उसका एड्रेस दे दूंगा। और तू अपनी जबान देता है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा दोस्त, पर मुझे अपनी जान कुछ ज्यादा ही प्यारी है, और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुझे चीट किया तो तू मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे लगता है काफी बातें हो गई, अब काम पर लगना चाहिए। जीना को पाने के लिए तीनों को मारना ही होगा। समंदर के बीच एक आइलैंड पर बना ये जेल 100 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पानी में शार्क्स भरी पड़ी हैं, यानी कि चुपके से जेल के अंदर जाना और बाहर आना दोनों नामुमकिन है। जेल में तुम्हारे टारगेट को उसके सबसे खास आदमी हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उससे अकेले मिल पाना भी नामुमकिन है। बड़ी भारी चीज है, तुम कोई बैंक तो नहीं लूट रहे ना? मैंने तुम्हें रुकने को कहा।
और आधार एक बात याद रखना, उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि एक मर्डर है तो तुम जिंदगी भर वहीं सड़ोगे। गुड लक। का सफाया करने वाला, कई बड़े लीडर्स को भी मारा है इसने। लोग कहते हैं कि ये पहले मारता है फिर उनका दिल खा जाता है। यहाँ उसके कुछ लोग हैं जो अब उसके दुश्मन हैं। उस नकली हाथ वाले को देख रहे हो, वो कभी क्रिल का खास आदमी हुआ करता था, पर अब वो क्रिल को किसी भी कीमत पे मारना चाहता है। पर क्रिल के बॉडी गार्ड उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। निशाना अच्छा है तुम्हारा। आज रात डिनर हमारे साथ करोगे? तुम्हारे पट्टे मुझे पसंद नहीं है। इन्हें बुलाया किसने? अंदर आ जाओ मेरे दोस्त। यहां हर हफ्ते कम से कम 6 मर्डर्स होते हैं और ज्यादातर उनका निशाना मैं ही होता हूं। जिसे तुमने आज मारा वो कभी मेरे लिए काम करता था। ओ, शायद वो अपने भाई की मौत का बदला ले रहा था। भरोसे के लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, खासकर हमारे धंधे में। मजा आ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे मारने वाला है?
कहीं सुना था? मेरे जासूसों ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं होगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्रिल, इस जेल के सबसे बड़े दादा हो ना। सही कहा। और जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा, पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा दादा बनूंगा। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। मुझे काम नहीं, जान चाहिए। किसकी जान? तेरी। डिस्टर्ब मत करो। चल फोन दे अपना। आधा बज गए। हेलो आधा, हमारा काम हो गया है। मुझे तुम पर पूरा यकीन था। तू जेल के खाने से ही मरेगा। चीना को फोन दे,
लो अपनी माशुका से बात कर लो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्रेन ने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर 36 घंटों में तुमने अगले टारगेट को नहीं मारा तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ओके, अब तुम्हारी रोमांटिक बातें खत्म हो गई हो तो जरा काम की बात कर ले। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। ये है अगला टारगेट एड्रियन कुक। आथा ने तुम्हें इसके बारे में बताया? यह उसके पिता की घड़ी है। वो इसे कभी निकालता नहीं था, कभी नहीं। दुनिया का कोई भी शख्स आर्थर को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, पर जब मैंने तुम्हें यह घड़ी पहने देखा तो मैं समझ गया कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। सिडनी के बीचों बीच 58 स्टोरी की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एड्रियन कुक का पेंट हाउस है। लोगों को लगता है कि वो माइनिंग करके करोड़पति बना है, पर सच्चाई तो यह है कि उसने ये सारा पैसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स वर्कर्स की बदौलत कमाया है। उसके पास बॉडीगार्ड्स की कोई कमी नहीं है, पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। कुक एक बहुत ही घमंडी और अय्याश किस्म का इंसान है। उसने रूफ टॉप पर एक आलिशान पूल बनाया है। उसके घर की दीवार और फ्लोर कंक्रीट से बनी है और 3 फुट मोटी है। हर दरवाजा 6 इंच मोटे निकल क्रोमियम स्टील से बना है, जो 12 आर्म प्लेट्स के बराबर है, और उनके बायोमेट्रिक सेंसर्स और रेटिना रीडर्स को हैक करना इम्पॉसिबल है। उसने अपना खुद का एक किला बना लिया है। हर अपार्टमेंट लगभग 300 स्क्वायर फीट का है, वो भी प्रीमियम एड्रेस पर, और यहाँ से सिडनी का सनसेट दिखता है। ब्रोशर में सारी स्पेसिफिकेशंस भी लिस्टेड हैं। मैं आपको यहाँ के फ्लोर प्लान के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर हर जगह इटालियन टाइल्स लगी हुई हैं और होल्ड ऑन प्लीज, एक्सक्यूज मी। हेलो समांथा बर्न्स, हेलो हेलो, माफ करना, तो कहाँ थे हम? आप मुझे फ्लोर प्लान के बारे में बताने वाली? ओह यस, डंप नहीं हो रहा है, रीफ के करीब हो रहा है। तुम ये सब बातें छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। मेरी बात समझ गए? अब मुझे जाना है, बाद में बात करूंगा, ठीक है?
वादी एड्रियन कुक की सिडनी में 74वें माले पे बने ग्लास पूल के टूट के गिरने से अचानक मौत हो गई। हालांकि अथॉरिटीज का मानना है कि सिर्फ एक हादसा था। उनकी बात करा दो। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, पर अभी तक एक सवाल बरकरार है कि पूल टूटा कैसे और इसके पीछे कौन है। बात कर लो। हाय, तुम्हारी घड़ी रुक गई है, शायद ये एक इशारा है। शायद इसे सफाई की जरूरत है। नहीं, इसे ठीक से देखो। तुझे तुम्हें मास्टर के ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ जी, आप कौन? मेरा नाम है टॉम सिल्वा। मेरी बोट को कोई उल्लू का पट्टा ठोक के चला गया है। मेरे पास हल नंबर तो है, मगर इंश्योरेंस के लिए ओनर डिटेल्स चाहिए। ठीक है, हल नंबर बताइए। WRX 489-674-2239। एक मिनट। हाँ जी, डिटेल्स मिल गई। इस बोट का परमानेंट पार्किंग एड्रेस है B7 सिडनी हार्बर। निकलो, वो आसपास ही होगी। जैसा तुम चाहो बॉस। देखा, वो रही। सूरज की तरफ रहना ताकि वो हमें देख ना ले। 60 फुट की ऊंचाई बनाए रखना और स्टेडी रखना।
जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। इतने कमजोर मत बनो। अब या तो वो तीसरा मरेगा या तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब इसे यहां से ले जाओ और अच्छे से अलविदा कहना। फाइनल वार्निंग है। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो याद रखना तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं देख पाओगे। अब बिना वक्त बर्बाद किए गौर से सुनो। बल्गेरिया के सबसे बड़े पोर्ट सिटी वारना में जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारा आखिरी शिकार मिलेगा। उसका नाम है मैक्स एडम्स, एक रईस अमेरिकन वेपन्स डीलर। वाना के नॉर्थ साइड में बल्गेरियन कम्युनिज्म का एक बेमिसाल नमूना दिखेगा। एडम्स ने इसे रिस्टोर करने में करोड़ों खर्च कर दिए और बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगाए हैं। और इसकी सबसे खास चीज तो दिखाई भी नहीं देती। एडम्स के आलीशान घर के नीचे है एक बंकर जहां वो अपने सबमरीन्स और मिसाइल्स रखता है। अंदर जाना नामुमकिन है और बहुत से लोग इसी कोशिश में मारे गए। तो बात साफ है आथर, ये तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। और तो और क्रिल और कुक की मौत के बाद एडम्स और भी अलर्ट हो गया होगा। इससे पहले कि वो कहीं और गायब हो जाए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तो तू मुझसे अपना कंपटीशन खत्म करवा रहा है। हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड। जी जरूर।
अंदर घुसने के बाद भी तुम्हें बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड का सामना करना पड़ेगा। बिल्डिंग का खुद का पावर और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, और हाँ, एक कमाल का सेफ रूम भी है। गुड लक आर्थर। पता करो कौन घुसा है। यहां तो कोई भी नहीं मिला मिस्टर एडम, क्योंकि इस वक्त वो मेरे सामने यहां सेफ रूम में बैठा है कल के अंधे। बहुत खूबसूरत है, भले ही ये सारा चोरी का सामान है। ये पेंटिंग्स डिक्टेटरशिप पर हैं और वाकई खूबसूरत है, जैसे कि ये डायनासोर बोन्स। वो नकली है। चाहता क्या है तू? तुमसे कुछ बात करनी थी। तो फोन कर लिया होता, किसी काम की नहीं है सिक्योरिटी। बता किस बारे में बात करनी है? तुम्हें एक एक्सीडेंट से बचाना चाहता हूं। क्रेन और कुक को तूने मारा? मैंने उन्हें बोला था एक दिन क्रेन हमारी सुपारी देगा। क्या बेचना? एस्प्रेसो? एस्प्रेसो, नो शुगर। क्रेल एक वॉरलॉर्ड था और अफ्रीका का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर भी। कुक ने उसकी खदानों का इस्तेमाल करके एशियन क्लाइंट्स को संभाला और तुम्हें मिला यूरोप और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका भी अगर मैक्सिकन्स को काउंट करो। यानी कि क्रेन के लिए कुछ नहीं बचा, तो तुम्हारे लिए एक डील है। वेल, मैं डीलर हूं तो हम बात तो कर ही सकते हैं। इतने सालों में न जाने लोगों ने मुझे कितने नामों से पुकारा, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, रेसिस्ट, फैसिस्ट, जो कि मैं बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स, वैसे मैं कम्युनिस्ट तो बिल्कुल नहीं हूं। मगर तुम्हें उनका आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। देखो, लड़ाई बराबर की होनी चाहिए। एक बड़ा देश छोटे देश को कैसे सताता है ये तुमने वियतनाम वॉर में देख ही लिया होगा। जैसे अफगानिस्तान में रशियंस, बोस्निया में मास मर्डर, कुर्दिस्तान में केमिकल वेपन। इन छोटे देशों को हमेशा एक सपोर्ट चाहिए, उसी सपोर्ट के हमें पैसे मिलते हैं। आदर्शों वाला आर्म्स डीलर, थोड़े काम की बात करें। क्रेन को हम मारेंगे कैसे? ये सोचो कि हम उस तक पहुंचेंगे कैसे। उसकी आर्मी हमेशा उसके साथ रहती है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे क्रेन अपनी आर्मी कहीं भेज दे। और कहां भेज दे? तुम्हारे सबमरीन बंकर में। आकर ढूंढने दो उन्हें, खजाना, तुम्हारी लाश। क्या बक रहे हो? तुम्हें मरना होगा। अच्छा ठीक है, मर जाऊं, लेकिन इसके चक्कर में पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं। फिर से कमा लेना। क्या सारी बोट तैयार है?
जी सर। बैटरी चार्ज है? जी सर। सब कुछ लोड कर दिया? हाँ सर। रात जो रशियन लड़कियां आई थी वो अब तक है ना? है सर। वेल, यानी हम तैयार हैं। सोचा भी नहीं था कि मरने में इतनी तकलीफ होती है। बस दो दिन के लिए यूं ही मरे रहना, उसके बाद जितना चाहो उतने मजे ले लेना। क्या करो, गाड़ी मंगवा रहे हो या होटल बुक कर रहे हो या अभी मां को फोन कर रहे हो? अरे क्रेन को फोन करके चारा डाल रहा हूं। तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वारना के नॉर्थ में एक घाट है, जीना के साथ कल वहीं मिलना। पहले एडम्स की बॉडी तो मिल जाए। वो तो तुम्हें एडम्स के खजाने के साथ ही मिलेगी, उसके सबमरीन बंकर में। फौरन वहां जाओ और एडम्स की बॉडी ढूंढो। बंकर की हर चीज को कब्जे में ले लो। और बिशप का क्या करें? मार डालो। ताकि मैं देख सकूं। Thank you.
तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई देखा? आर्थर बिशप कहीं नहीं दिखा मिस्टर क्रेन। होशियार रहना, आर्थर आता ही होगा, पर इस बार जिंदा नहीं बचेगा। हो क्या रहा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ आ रहा है, अब दोनों साथ में मरोगे। चलो। जानता हूं तू इसे मरने नहीं देगा। ब्रिज पर लेकर आओ। लेट्स गो। Thank you.
लेट्स गो, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। जीना, जीना, हे। मुझे गोली लगी है। दिखाओ मुझे। शिट, तुम ठीक हो जाओगी। क्रेन कंसोल पर कुछ कर रहा था। ये आवाज कैसी है? कोई बम फटने वाला है। चलो यहाँ से। सेफ्टी बोट निकालो जल्दी। जी सर। ये क्या है? अंदर चलो। नो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे जीने का इंतजाम कर रहा हूँ। नहीं, मेरे साथ चलो। बिशप। Shoot him! Bishop! ढूंढो उसे जल्दी। लेजर, हमें निकलना होगा। मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ मैं जानता हूं, आजादी मुझे मिली और तुझे नहीं, मगर तू पीछा नहीं छोड़ेगा। तू मुझे छोड़ के भाग गया, उसका बदला तो लेना ही था। कोई चांस ही नहीं। अब तीसरे शिकार की बारी है, मगर ये कोई एक्सीडेंट लगेगा ही नहीं। तू इस बोट से तो कूद जाएगा, पर तैर कर इतना दूर नहीं जा पाएगा कि धमाके से बच सके। अब मैं तैरने क्यों लगा भला? कोई और जिंदा मिला है क्या?
नहीं। बिशप भी नहीं बचा। मौत से किसकी रिश्तेदारी? डियर मे, मैं वापस कैम्बोडिया आ गई हूँ अपने बच्चों के पास। वाटर फिल्टर काम कर रहा है, इस नायाब तोहफे के लिए शुक्रिया। उम्मीद है एक दिन तुम भी यहाँ आओगी, अच्छी जगह है, बिशप को भी बहुत पसंद आते। आओगी ना? सी यू सून, खुश रहना जीना। इसे रख दोगी प्लीज? शिप एंकर कंपार्टमेंट, एक अंदरूनी चेंबर जिसमें किसी भी शिप के एंकर को रखा जा सकता है। स्टील चेंबर में ऑक्सीजन होता है जिससे होता खोर पानी के भीतर भी सांस ले सकता है। Thank you.